नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अशोक अग्रवाल और आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। बहुत सारे वीडियोस आप ऑलरेडी देख चुके हैं और कुछ ना कुछ आपको अच्छा लग रहा है, लाइक कमेंट्स मेरे पास आते रहते हैं। दोस्तों आज का टॉपिक मेरा बहुत ही अलग तरीके का है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अलग तरीके का, ऑफकोर्स है नेटवर्क बिजनेस के ऊपर, लेकिन टॉपिक सुन के भी आप हैरान हो जाएंगे, कभी उस एंगल पर हमने कभी सोचा नहीं। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है नेटवर्किंग के जेब कतरे। जी हाँ दोस्तों, है ना अजीब सी बात कि नेटवर्किंग में भला जेब कतरे हो सकते हैं? 100% हो सकते हैं दोस्तों नेटवर्किंग के जेब कतरे। और हमारी इंडस्ट्री में ये लोग आते रहते हैं, हमसे मिलते रहते हैं और हमारी जेब पर इनकी नजर रहती है, इनको काम से कोई मतलब नहीं होता। आप इनको पहचानोगे कैसे? दोस्तों आप मेरी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिसके अंदर आपको कुछ टिप्स मिल जाएंगी और आप ऐसे जेब कतरों को बड़े आराम से पहचान सकते हो। जी हाँ दोस्तों, बड़े आराम से पहचान सकते हो। उनकी सबसे पहली निशानी आपको जो मिलेगी वो ये रहेगी, जैसे आप उनसे बात करोगे वो एक बात जरूर बोलेंगे, सर मेरे पास बहुत बड़ी टीम है, 2000 आदमी मेरे पास है, 3000 मेरे आदमी है मेरे पास, और मैं ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, मतलब सारी दुनिया उनके साथ है। बाद में पता चलता है ऐसे आदमी सिर्फ और सिर्फ धुआं पाउडर है, कोई काम के नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये लोग बड़ बोले होते हैं, करते कुछ नहीं है। दूसरे व्यक्ति आपके पास मिलेंगे, जब बातचीत होगी आपने उनको वीडियोस भेज दिया, क्लाइंट के बारे में बात कर ली, प्रोडक्ट का डिस्कशन कर लिया, उसके बाद ये बोलेंगे सर हमें ऑफिस विजिट करना है। तुरंत अलर्ट हो जाइए, अगर कोई भी आदमी आपको बोलता है कि मुझे ऑफिस विजिट करना है, समझ जाइए कि अब ये आपसे पैसे मांगने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये वो आदमी होते हैं ऑफिस विजिट के नाम पर आपको बोलेगा सर मुझे ऑफिस विजिट करना है, आपने बोला सर बिल्कुल आ जाइए, तो छूटते बोले सर हमारी फ्लाइट का किराया बुक कर दीजिए, हमारे होटल का भी इंतजाम कर दीजिए, अकेले नहीं आएंगे सर, मेरे 4-5 दोस्त और हैं वो भी साथ में आएंगे, वो सारे नेटवर्कर हैं सर। सर ऐसे लोग कभी इंडस्ट्री में टिकते नहीं है, आज ही आपके साथ आएंगे, आपने अपने कच्चे लालच में इनको अपने साथ इनरोल करा दिया, 2 महीने बाद फिर किसी को पकड़ लेंगे। माय डियर फ्रेंड, एक चीज सोचने की जरूरत है, ये नेटवर्क इंडस्ट्री में आ रहे हैं आपके साथ आपके लिए नहीं, अपने फैमिली के लिए आ रहे हैं, तो ऑफिस विजिट करना भी उनकी जिम्मेवारी है ना कि आपकी। तीसरे व्यक्ति वो मिलेंगे, सर मेरी आईडी लगा दीजिए, मेरे पास पैसे नहीं है, प्रोडक्ट मेरे पास आ जाएगा मैं बेच के दे दूंगा। भाई जब आईडी मुझे लगानी है, मुझे तेरी क्या जरूरत है? सोचिएगा जरूर, ऐसे बहुत लोग मिलेंगे, आईडी लगा दो सर पैसे बाद में दे दूंगा। नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर जिसने भी उधारी करी वो जिंदगी भर के लिए बीमारी पाल लेगा, ध्यान रहे, नो उधारी नो बीमारी। दोस्तों एक सबसे बड़ी बात यहां पर आती है, कुछ लोग जुड़ने के बाद आपको एक बात बोलेंगे, सर मीटिंग करने जाना है, जेब में पैसे नहीं है, मेरी ट्रेन का टिकट बुक करा दो। आप सोचेंगे बंदा काम करने वाला है, करा दो। फिर बोलेगा सर टिकट तो बुक हो गई, मेरे लिए अच्छा सा होटल भी बुक करा दो, जब सारा काम आपको ही करना है फिर उसकी जरूरत क्या है? जी हाँ दोस्तों, ये भी नेटवर्किंग की जेब कतरे हैं, सावधान, ये भी जेब कतरे हैं। कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे, पांचवी निशानी, सर मेरे आज 5 लोग आएंगे, बहुत हाई प्रोफाइल लोग हैं, उनके लिए किसी अच्छी जगह लंच का इंतजाम करा देना। भाई जब हाई प्रोफाइल लोग हैं फिर नेटवर्किंग क्यों कर रहे हैं? अगर नेटवर्क इंडस्ट्री को समझ में आ रही हो, हाई प्रोफाइल लोग हैं तो उनको तो खुश नसीब होना चाहिए, वो एक अच्छे लीडर के साथ जुड़ने जा रहे हैं, यानी आपके साथ। अगर वो ऐसा आपको नहीं समझते हैं तो भी टाइम पास करने आ रहे हैं दोस्तों, ये भी जेब कतरे हैं। ऐसे लोगों से सावधान होने की जरूरत है, ये लोग सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम खराब करेंगे, आपसे मिलने आएंगे, आपके साथियों के, आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनके टेलीफोन नंबर ले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, और फिर किसी न किसी ग्रुप में उनको जोड़ देंगे, फिर अपने प्लान्स भेजते रहेंगे, मैं उस कंपनी में, उस कंपनी में, ये इतना बढ़िया उतना बढ़िया, और आपकी टीम को एक दिन खा जाएंगे। सावधान, फिर बोल रहा हूं दोस्तों सावधान, ये नेटवर्किंग के जेब कतरे हैं, ये कभी किसी के सगे नहीं हो सकते हैं, इनसे बचने की जरूरत है। अगर आपको इन फ्यूचर कभी भी ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जो सपोर्ट के नाम पर आपकी जेब को कुरतने के काम करते हैं, काटने की कोशिश करते हैं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ जेब कतरे हो सकते हैं। आपने मार्केट में बहुत सारे जेब कतरों के बारे में सुना होगा, किसी की पॉकेट काटी, फिर दूसरे की तलाश, फिर तीसरे की, फिर चौथे की,
ये लोग भी वही काम करते हैं, ऐसे लोगों से सावधान होने की जरूरत है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी और ऐसे लोगों से सावधान होने का आपको मौका मिलेगा। इस वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। इन लोगों से कैसे बचा जाए उसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप मुझे फोन करके मिल सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको अपनी टीम को बचाना है, उनको समझाना है, तो मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। सतर्क रहिए, होशियार रहिए, सावधान रहिए इन नेटवर्किंग के जेब कतरों से। जय हिंद।